केनिची बना तर्रब सिंगर। डिंग डिंग। केनिची, जल्दी करो वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। आया मम्मी। डिंग डिंग, अरे केनिची जल्दी करो नहीं तो तुम आज देर से स्कूल पहुंचोगे। क्या हुआ केनिची? तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है क्या? तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए एवर रेडी हूँ। जब हथौड़ी है साथ तो डरने की क्या बात? पता है हथौड़ी, आज म्यूजिक पीरियड में मेरी क्लास का सिंगिंग टेस्ट है। तो क्या? मुझे गाना नहीं आता है, अगर मैंने आज गाना गाया तो यूमिको और मिस यामानो के सामने मेरा मजाक बन जाएगा। ये मिस नामानो कौन है? क्या वो तुम्हारी नई म्यूजिक टीचर है? हाँ, और वो बहुत सुंदर भी है। उनके सामने तुम्हारा मजाक क्यों बनेगा? क्योंकि म्यूजिक टेस्ट में हर बच्चे को पूरी क्लास के सामने गाना गाना पड़ता है, और जब मैंने गाना गाया था तो मैं जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था मेरी तुम गा रहे हो या रो रहे हो? अब मैं क्या करूं हथौड़ी, तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ। डिंग डिंग, मैं भी मुश्किल में पड़ गया। हथौड़ी, क्या तुम निंजा वॉइस ट्रांसफर टेक्निक का इस्तेमाल करके मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते? केनिची, टेस्ट चाहे कोई भी हो उसमें खुद ही कोशिश करनी चाहिए। तुम निंजा की रूप बदलने वाली टेक्निक से मेरा रूप लेकर वहाँ गाना गा दो ना हथौड़ी। नहीं केनिची, ये तुम्हारा टेस्ट है, इसके लिए तुम ही कोशिश करनी चाहिए। तुम ही गाना गाओ। ऐसे दोस्तों से तो दुश्मन ही अच्छे हैं। अगर तुम दिल से गाना गाओगे तो सबके साथ मिस नामानो को भी तुम्हारा गाना बहुत अच्छा लगेगा। काश मैं ऐसा कर पाता तो फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। केनिची, अंदर क्या कर रहे हो? लगता है तुमने ठान लिया है स्कूल आज देर से ही जाओगे। बाबा रे, क्या मुसीबत है, अब तो जाना पड़ेगा, और कोई रास्ता भी नहीं है, क्या करूं क्या? कुछ नहीं होगा केनिची, तुम एक होशियार बच्चे हो, अपने टैलेंट पर यकीन रखो। चलो, मुझे नहीं जाना है। जाना तो पड़ेगा। मल्ले भाई, मुझे केनिची की बात चिंता हो रही है। जैसा उसने बताया है उसके बाद तो मुझे भी उसकी फिक्र हो रही है। मैं तो हूँ एक नन्ना सा टिमटिमाता हुआ एक प्यारा तारा। तुम कितना अच्छा गा रहे हो। हमारा तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है। तुम्हारी दोस्ती की वजह से ही मैं इतना अच्छा गा पाया, पर क्या फायदा, इतने अच्छे गाने के बाद अब तुम्हें फटे हुए बांस की आवाज सुनने मिलेगी। अगर मेरी बारी आई तो मैं तो गया। चलो केनिची, अब तुम्हारी बारी। यस मैम। अब आएगा असली मजा। अपना गाना शुरू करो केनिची। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा। वैसे गाने में भी सच्चाई बता रहा है। गाने के मामले में बिल्कुल पापा पर गया है। तुम गाना गा रहे हो या चिल्ला रहे हो? गाना हमेशा हल्की और मीठी आवाज में गाते हैं। लेकिन मैडम, मुझे गाना गाना बिल्कुल नहीं आता है। कोई बात नहीं केनिची, तुम मेरी स्टिक देखो और फिर सुरताल मिलाओ। लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो तुम तैयार हो केनिची? हाँ मैडम, ट्राई करता हूँ। मैं हूँ छोटा बच्चा। ये क्या हो रहा है, मेरा हाथ अपने आप कैसे घूम रहा है? पर पढ़ाई में हूँ थोड़ा थोड़ा कच्चा। ये म्यूजिक टीचर को क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ यार, केनिची की संगत में गाना भूल गई। हाँ, ये क्या हो रहा है? पर पढ़ाई में हूँ थोड़ा थोड़ा कच्चा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ अपना कमाल दिखा दिया। थोड़ा गाने ने तो मुझे भी रुला दिया, मम्मी की याद आ गई। तुमने तो बहुत अच्छा गाया केनिची, ये गाना वाकई में तुमने दिल से गाया केनिची, इसलिए मैं अपने आंसू नहीं रोक पाई। तुमने तो आज क्लासरूम में आंसू की नदियाँ बहा दी केनिची। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पीछे से कुछ हट गया है। क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, शायद ये मेरा वहम है केनिची। तो बच्चों, तुम अब समझ गए ना कि कोई भी गाना दिल से गाना कितना जरूरी होता है। पुराने गीतकार जब भी कोई गाना गाते या उसका म्यूजिक बनाते तो वो दिल से निकलता था, और इसीलिए उनका गाना आज भी हमारे दिल को छू जाता है। समझ गए ना बच्चों? यस मिस। शुक्र है कोई गड़बड़ नहीं हुई। डिंग डिंग।
मैं आ गया। आज बहुत खुश लग रही हूँ। जैसा तुमने आज कहा बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं हूँ छोटा बच्चा और गाने में हूँ सबसे अच्छा। आज जब क्लास में मैंने गाना गाना शुरू किया तो सभी बच्चे मुझे ध्यान से देख रहे थे और बाद में उन्होंने मेरी तारीफ की। क्या इसी तरह से तुमने टीचर के सामने गाना गाया था? हाँ, और दोस्तों जानते हो मिस नामानो ने मुझसे क्या कहा? उन्होंने कहा मेरी आवाज में नामी गायकों की आवाज की मिठास है और मैं आगे चलकर मशहूर सिंगर बनूंगा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, सिंगर हूँ मैं। खाना बनाना है इसलिए मैं तो जा रही हूँ। और तुम्हें ऐसे गला फाड़ कर गाना है तो अपने कमरे में जाओ और दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, समझ गए? पता नहीं इसकी टीचर को गाना आता भी है नहीं। पर मम्मी, मेरी टीचर एक अच्छी म्यूजिक टीचर है और उन्होंने कहा है कि मैं आगे चलकर बहुत अच्छा सिंगर बनूंगा। मैं हूँ छोटा बच्चा, मन का हूँ मैं सच्चा, उड़ता हूँ मैं अच्छा। हमें अपने कानों में रुई डाल लेनी चाहिए, पर जो भी हो कैनिची को गाने का कॉन्फिडेंस तो आ ही गया। इसमें कोई शक नहीं कि उसके गाने से मेरे कान पर में हड़ताल हो गई। मौसम कोई भी हो, बच्चों को हमेशा स्कूल जाना चाहिए। डिंग डिंग। बच्चों ठीक से एक्सरसाइज करो, ठंड अपने आप भाग जाएगी। करोगे ना सब? यस सर। हमारा तुम्हारे जोश को देखकर अच्छा लगा। चलो शुरू करते हैं। ता थाई ता 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 थाई ता ता। जब से सर्दियां शुरू हुई हैं केनिची बहुत आलसी हो गया है। मुझे स्कूल जाकर देखना चाहिए कि कहीं वो कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा। बच्चे एक्सरसाइज कर ले। लगता है ठंड से कोई परेशानी नहीं हो रही। देखो कैसे ठुमके लगा रहे हैं। लेकिन केनिची कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सही कहा आपने। कहीं उसे फ्री फंड में ठंड तो नहीं लगी? केनिची, अगर तुम्हारी तबीयत इतनी खराब है तो तुम्हें छुट्टी लेकर घर जाना चाहिए। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो युमिको। ठंड में बाहर ऐसे खड़े रहने से तबीयत और खराब हो जाएगी। देखो अब मैं थोड़ा ठीक हो गया हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? पता है मेरी भी तबीयत खराब हो गई है, इसलिए मैंने सर से छुट्टी ली है। अब हम दोनों साथ साथ घर जाएंगे, बहुत मजा आएगा युमिको। लेकिन तुम्हारी तबीयत तो बिल्कुल ठीक लग रही है। नहीं नहीं तो मुझे बहुत खांसी हो गई है, ऊपर से इतना तेज बुखार भी है, मेरी कुल्फी जमने वाली है, शायद मैं नहीं बचूंगा। सच में? हाँ युमिको सच्ची, बहुत दर्द हो रहा है। चलो स्कूल के डॉक्टर को दिखाते हैं। स्कूल डॉक्टर को? हाँ मैं भी उन्हीं के पास जा रही हूँ। हाँ फिर चलते हैं, तुम जहाँ चाहो ले चलो मुझे युमिको। केनिची संभालो अपने आप को, तुम बहुत भारी हो। मालूम है। ओह केनिची तुम्हें क्या हो गया? शायद इसे तेज बुखार है डॉक्टर। तो आओ मैं तुम्हारा थर्मामीटर से बुखार चेक कर लेती हूँ। क्या थर्मामीटर से? अब तुम थोड़ी देर यहाँ आराम से लेटे रहो। हाँ। युमिको वो देखो वहाँ, अभी मैंने एक एलियन को देखा। क्या? कहाँ? कहाँ देखा तुमने? वहाँ तो कोई एलियन नहीं है केनिची। अच्छा शायद युमिको बुखार की वजह से लगा होगा। लाओ थर्मामीटर दो। अरे ये क्या, तुम्हें तो 104 बुखार है, शायद तुम्हें निमोनिया हो गया है। मैं अभी डॉक्टर को लेकर आती हूँ, तुम यहाँ से हिलना मत, आराम से लेटे रहो। अच्छा युमिको बताओ अब तुम क्या खेलना पसंद करोगी? केनिची तुम बीमार हो। नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ युमिको। अच्छा लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम्हें बुखार है। वो तो मैंने इसीलिए कहा था युमिको ताकि तुम्हें यहाँ तक अकेले ना आना पड़े। अब तुम अच्छी तरह समझ गई ना? हाँ? मुझे भी तुम्हारी सब चालाकी समझ में आ गई केनिची। बॉस गरमा गरम न्यूज़ है। क्या कहा सच में केनिची? हाँ एक्सरसाइज से बचने के लिए। आपके दिमाग में क्या पक रहा है? अब उसे दिलाऊंगा सर्दी में भी गर्मी का एहसास। ये लो ये लो युमिको। अच्छा तो तुम्हें बुखार है? हाँ डॉक्टर, इसीलिए मैं आज एक्सरसाइज भी नहीं कर पाया। मैं देख लेता हूँ, अपनी जीभ बाहर निकालो। ये देखने दो। बाबा रे बाबा, तुम्हें एक खतरनाक बीमारी हो गई है, अब तुम्हारा क्या होगा? क्या मतलब है? अभी से तुम्हारा इलाज शुरू करना पड़ेगा। पहले मैं थोड़ी दवाई डाल देता हूँ। अरे
अरे रे, इस दवाई से तो तुम्हें छींक आने लगी है। अब इसे ठीक करने के लिए मुझे दूसरी दवाई डालनी पड़ेगी। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। रुक जाइए, रुक जाइए, मुझे दर्द हो रहा है। रुक जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। इस तरह से तुम्हारी बीमारी चली जाएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर, रुक जाओ। तुम्हारे इलाज में मेरा कुछ काम नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। रुक जाओ। अरे युमिको, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। रुको। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रहे हो? चुपचाप यहाँ पर लेटे रहो। और अब मुझे पकाओगे क्या? असली डॉक्टर मैं हूँ। ओए डॉक्टर, ये बताइए आप दोनों में से असली डॉक्टर कौन है? मैंने कहा ना, असली डॉक्टर मैं हूँ। तो फिर ये कौन है? अच्छा, तो मैंने ठीक सुना था, आजकल कुछ नकली डॉक्टर मरीजों को गलत दवाइयाँ दे रहे हैं और उनकी बीमारियाँ बढ़ा रहे हैं। तुम वही हो ना? नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तुम एक नकली डॉक्टर हो, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैं अभी तुमको अंदर करवाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज बचाओ। अरे आगे से डॉक्टर तो क्या, कंपाउंडर भी नहीं बनूंगा, बचाओ। तो वो हमारा की करतूत थी? वो नकली डॉक्टर चला गया, अब मैं तुम्हारा बैंड नहीं नहीं इलाज करूंगा। अब ये क्या है? ये चुभने वाली सुइयां हैं, मैं इससे इलाज करूंगा। क्या, चुभने वाली सुई? घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। डिंग 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 डिंग, ये मैं हूँ केनिची। मैं नर्स बना था। और मैं कंपाउंडर। हमें पता था हमारा तुम्हारे साथ कुछ शरारत करने वाला है, इसलिए हम तुम्हारी मदद करने आ गए। अच्छा, तो ये बात है हथौड़ी। तुम्हें झूठ बोलकर छुट्टी नहीं लेनी चाहिए थी, याद रखो ये गलत बात है। डॉक्टर, वो रहा पेशेंट। ओहो, तो आप सब लोग बीमार हैं। अरे ये कौन सा नकली डॉक्टर आ गया? अब पेट और दाढ़ी तो असली है ना? अरे रुक जाओ, ये नकली नहीं असली डॉक्टर है। क्या कहा, असली? बदतमीज कहीं के। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे भी माफ कर दीजिए, अब मैं निकलता हूँ। मैं भी निकलता हूँ। जिंगी जिंगी, तुम कैसे दोस्त हो जो मुसीबत में मुझे अकेला छोड़कर निकल गए? इसलिए मैं हमेशा तुम्हें झूठ बोलने और क्लास से छुट्टी करने के लिए मना करता हूँ, चाहे गर्मी हो या सर्दी। सब बच्चों को हमेशा स्कूल जाना चाहिए। अरे वाह, मेरा जवाब नहीं, मैं कितनी तरह के अलग अलग चेहरे बना सकता हूँ। वो रहा, देखो उसे, अभी तक उसने पढ़ाई शुरू नहीं की है। केनिची, पढ़ाई के समय ये क्या कर रहे हो? मम्मी पापा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे ये तो शिंजो है। डिंग 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 डिंग, तुम सच में डर गए थे ना केनिची? हमने तुम्हें डला दिया। तोड़ी और शिंजो, तुम दोनों मुझे इस तरह डराया मत करो। अच्छा केनिची, ये बताओ कि तुम शीशे में देखकर क्या कर रहे थे? अच्छा, वो तो मैं तरह तरह के मुंह बना रहा था। तरह तरह के मुंह बनाना, जैसे हम निंजा अलग अलग तरह के मुंह बनाने की टेक्निक जानते हैं वैसे? हाँ हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम। डिंग डिंग, लेकिन हमारी निंजा टेक्निक में तो बहुत तरह के मुंह बनाए जाते हैं। वो सिर्फ निंजा ही कर सकते हैं। आइडिया, चलो तो फिर हम सब निंजा गेम खेलते हैं। अच्छा, तो तुम अब हमारे गेम खेलोगे? ना बल्ले भाई, बहुत मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा। लेकिन केनिची, तुम्हारी पढ़ाई, तुमने अब तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया। हाँ तो ठीक है ना, मैं खेलने के बाद कर लूँगा। ठीक है, मैं तलवार मास्टर बनूंगा और मेरी टीम में शिंजो रहेगा। तुम और शिशिमानो मिलकर अपनी टीम बना लो और शुरू हो जाओ। ठीक है, तैयार हो जाओ, अब हथौड़ी तुम पर हमला करने आ रहा है। ये संभालो, मेरा वार। नहीं नहीं नहीं, पंगा लेने की कोशिश मत करो, मेरे पास है दूर फेंकने वाली चॉपस्टिक। अच्छा तो ये बात है, ये देखो मेरे निंजा स्टार्स का कमाल। कबड्डी 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 कबड्डी, खेलूंगा नहीं मैं तुमको। पहले पकड़ के दिखाओ। रुक जा शिशि, बहुत डर रहा हूं। डिंग डिंग, ये बढ़िया मौका है। ये लो डिंग डिंग, ये लो लग गया, ये लो, ये लो, ये भी लो, ये लो, लग गया, लग गया, ये लो, ये लो, ये लो, मजा आ रहा है ना? हाँ। डिंग डिंग, तो तुम अब ब्लाइंडिंग गेम खेल रहे हो? ये देखो, ये चारों धुएं वाले बम हैं। लो संभालो इन्हें, ये लो, 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 ये लो। दोस्तों मजा आ गया खेलकर। बहुत मजेदार था। हाँ, मैंने भी बहुत समय बाद ऐसा गेम खेला है। अरे सब यहाँ, ये देखो। हाँ? ये टेप रिकॉर्डर टूट गया जिसे पापा ने संभाल कर रखा था। शायद इस कमरे में भी कुछ टूटा है। डिंग 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 डिंग। हाँ? हाँ? ये सब क्या हो गया? मम्मी की ड्रेसिंग टेबल तो देखो।
बहुत डांट पड़ेगी। मम्मी और पापा के वापस आने पर हम सबका बैंड बजने से कोई नहीं बचा सकता। नहीं, ओ नो, हथौड़ी, जल्दी कुछ करो ना। हाँ, एक चीज है जिसे मैं कर सकता हूँ, अदला बदली, लेकिन उसके लिए हमें निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उस टेक्निक से हम एक दूसरे का रूप ले लेंगे तो डांट खाने से बच जाएंगे। अच्छा, तो हो जाए अदला बदली। इसे पहनकर तो मेरे सर में खुजली हो रही है। चुपचाप इसे पहने रहो कैनिची। तुम तो बिल्कुल हथौड़ी जैसे लग रहे हो। तुमने तो मेरी शक्लें ले ली, अब मैं तुम्हारी शक्लें लेकर कैनिची बन जाता हूँ। डिंग 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 डिंग। अरे वाह, एकदम कैनिची लग रहे। शक्लें तो बदल गई, बस कपड़े बदलने बाकी। हम आ गए। मम्मी पापा आ गए। कैनिची, तुमने प्रॉमिस किया था ना, हमारे जाने के बाद तुम घर की देखभाल करोगे और सिर्फ पढ़ाई करोगे, तो फिर ये सब क्या है? मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैं जानता हूँ कि मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा है। अब भी तुम्हें मजाक लग रहा है और तुम हथौड़ी की तरह बोल रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नहीं, वो मैं असल में बात ये है। मम्मी पापा प्लीज, बल्ले भाई अमीला बल्ले भाई कैनिची को मत डांटिए। हाँ, ये ठीक कह रहा है, ये सिर्फ कैनिची की नहीं बल्कि हम सबकी गलती की वजह से हुआ है। आप उसे मत डांटो। ठीक है, इस बार तो तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉमिस करो आगे से ऐसी गलती नहीं करोगे। मैं प्रॉमिस करता हूँ पापा। अरे याद आया, हमने तुम सबके लिए कुछ गिफ्ट खरीदे थे, लेकिन हम गलती से उन्हें दुकान पर ही भूल गए। हथौड़ी, जरा तुम जाकर वो गिफ्ट लेकर आओगे प्लीज। कौन मैं? आप मुझसे बोल रही हैं? हाँ, क्योंकि तुम बहुत तेज चलते हो ना, तो 10 मिनट में गिफ्ट लेकर आ जाओगे। हाँ हाँ, समझ गया। ये मैं कहाँ फंस गया? ओ नो, 5 किलोमीटर दूर किसी दुकान पर कोई 5 मिनट में कैसे पहुंच सकता है? मैं आ गया। ये तुम्हारे लिए है शिशिमानो। थैंक यू पापा। अरे वाह, ये तुम्हारे लिए है शिंजो। थैंक यू मम्मी। जल्दी से मैं गिफ्ट खोल कर देखता हूँ क्या होगा मेरे लिए। अरे वाह, देखो मिला गिफ्ट। अरे ये गोल गोल चीज क्या है? ये यो-यो है। और हथौड़ी, ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। शुक्रिया पापा, पर ये है क्या? चलो देखता हूँ। ये क्या पापा, मेटल पॉलिशिंग स्प्रे? हथौड़ी, तुमने ही तो अपनी तलवारों को चमकाने के लिए पॉलिश लाने को कहा था, और इसीलिए मैं ये मेटल पॉलिशिंग स्प्रे लाया हूँ। क्या मुसीबत है, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई है। कैनिची, तुम भी अपना गिफ्ट खोल कर देखो, हम तुम्हारे लिए बैटरी से चलने वाला खिलौना लाए हैं। बैटरी से चलने वाला खिलौना? बचाओ मुझे, कोई मुझे मेंढक से बचाओ, मुझे मेंढक पसंद नहीं है, मुझे बहुत डर लगता है। क्या कर दिया? अब तो हमारी बैंड बजेगी। मम्मी पापा, क्या आप दोनों को हमारे इस राज के बारे में पहले ही पता चल गया था? हाँ हाँ बच्चों, हम पहले ही समझ गए थे, इसीलिए हम तुम्हें टेस्ट कर रहे थे। हम जानते थे कि कांच तुमने ही तोड़े हैं और तुम अपनी गलती छिपाने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी खिंचाई कर रहे थे। मम्मी पापा से कुछ भी छुपाना मुश्किल है। लगता है मैंने निंजा टेक्निक का गलत इस्तेमाल किया, इसलिए मुझे लेने के देने पड़ गए। डिंग डिंग। मम्मी की टी पार्टी। डिंग डिंग। मैं आ गया, मुझे टी पार्टी में बुलाने के लिए तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। अंदर आ जाओ हमारा। आंटी, आपको पता है कैनिची हमेशा मेरी मदद करता है। दोस्तों एक दूसरे की मदद करते ही रहते हैं। अंदर आ जाओ। थैंक यू आंटी जी। कैनिची हमारा आ गया है। ये कहाँ से टपक पड़ा, इस चप्पड़ गंजू को किसने बुलाया? मैंने तो बस युमिको को बुलाया था। कैनिची, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, आखिर हमारा भी तुम्हारा दोस्त ही है ना। यही तो मुश्किल है। लगता है मैं कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गया ना आंटी। कोई बात नहीं, युमिको भी बस किसी भी समय आने ही वाली है। ठीक है। कैनिची, हमारा बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अरे पार्टी में अब क्या हम इसमें चाय पियेंगे? इसमें तो गर्म पानी है, ये देखो। तोड़ दिया। मुझे शांत रहना होगा, मुझे शांत हो जाना चाहिए। शांत शांत, काश मैं किसी तरह इसे जोड़ सकता। क्या करूं, क्या करूं, अब क्या करें? आइडिया, गम गम का, गम गम ढूंढो, ढूंढो रे ढूंढो, गम का है, गम का है, ढूंढो रे ढूंढो रे ढूंढो, गम का है। शाबाश। चिपक जा रे चिपक जा, टूटे हुए बोल तू चिपक जा, चिपक जा रे चिपक जा। अरे वाह, हेलो हो गया। हेलो दोस्तों।
अरे यूमिको, तुम आ गई। क्या बात है, तुम तो बिल्कुल गुड़िया लग रही हो। वाओ। अरे ये तो वही बाउल है, अब क्या? नहीं नहीं, ये तो अभी सूखा भी नहीं है, किसी भी समय टूट जाएगा। क्या हुआ हमारा, तुम कुछ कह रहे थे क्या? नहीं, मैं वो कह रहा था कि ये बाउल बहुत ही खूबसूरत है आंटी जी, वाकई। अरे वाह, तुम्हारी नज़र तो पारखी है। ये चीनी मिट्टी का बाउल सचमुच बहुत ही खूबसूरत और बेमिसाल है, इसकी मजबूती की तो बात ही और है। हाँ, चीनी मिट्टी के बर्तन का तो कहना ही क्या, वो तो हम लोगों की शान और पहचान है। बेकार की डिंगे मार रहा है। और आंटी, आप चाय भी बहुत अच्छी तरह बना रही हैं। देखकर मजा आ रहा है, तो पीकर कितना मजा आएगा। ओ हमारा, ऐसा है तो चलो पहली चाय तुम ही ले लो। पहले मैं लूंगा। नहीं नहीं कैंची, ये चाय आंटी ने मेरे लिए बनाई है, प्लीज पहले मुझे पीने देना। छोड़ दो इसे, ये चाय मेरी है, पहले मैं पीऊंगा। कैंची, टूट गया भाई, टूट गया, टूट गया भाई, टूट गया। वो टी बॉल मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था। आई एम सॉरी मम्मी। आखिरकार मैंने अपनी गलती का इल्जाम उसके ऊपर लगाई दिया। मुझे यकीन है वो आंटी की जबरदस्त डांट खा रहा होगा बेचारा। केनिची, तुम बहुत लापरवाह होते जा रहे हो, आने दो आज पापा को घर वापस, वो ही तुम्हारी अकल ठिकाने लगाएंगे। केनिची, दिल छोटा मत करो, बहुत ही छोटा सा बोल था। चलो हम तुम्हें डांट खाने से बचाने का कोई तरीका सोचते हैं। हाँ, हम सोचते हैं। ओहो, ये क्या, बोल के टुकड़े पर गम लगा है, यानी किसी ने बोल गम से चिपका रखा था। घबराओ नहीं केनिची, मुझे पता है कि ये बोल तुमसे नहीं टूटा है। ये बोल पहले ही टूट चुका था और किसी चिपकू ने इसे चिपकाने की कोशिश की थी। किसकी है यह शलालत? ओ झूठे अमारा, झूठ बोलकर यहाँ तफरी मार रहे हो। कौन है यहाँ? मैं झूठे बच्चों को पकड़ने वाला भूत हूँ। वो बोल तुमने तोड़ा था ना, जाओ और जाकर अपनी गलती मानो वरना। नहीं नहीं नहीं, मैंने नहीं तोड़ा था। मुझे झूठ की बदबू दूर से ही आ जाती है, अगर तुमने फिर से झूठ बोला तो मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। प्लीज, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, प्लीज प्लीज। तो फिर जाओ और अपनी गलती कबूल करो। अजीब बात है, लकड़ी के पुतले का तो मुंह भी नहीं हिल रहा, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज तो निंजा टेक्निक से बदली हुई लग रही है, देखना पड़ेगा। ये 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 ये। अभी पता चलेगा। तो मेरा शक सही निकला। बोल तुमने तोड़ा है और बेचारे केनिची को तुमने बड़ी सफाई से इस मामले में फंसा दिया, इसलिए जाओ और जाकर अपनी गलती मान लो। हमारा चल चल, जाने दे, हवा में दे। डिंग 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 डिंग, रुक जाओ हमारा। पलट कार करने की निंजा टेक्निक, बच के कहां जाओगे? डिंग 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 डिंग, अरे कहाँ चले गए ये दोनों? डिंग डिंग डिंग, ये छिपने की निंजा टेक्निक ही आज हम दोनों को बचाने वाली है। डिंग 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 डिंग, अच्छा तो वहाँ छिपे हैं दोनों। डिंग डिंग, टेंपल की बेल तो बजा लूं। डिंग डिंग, जोर लगा के हाय शा। डिंग डिंग, आसमान कभी झुकता नहीं, निंजा हथौड़ी कभी रुकता नहीं। अरे रुक जा, बच्चे की जान लगेगा, मेरी अभी शादी भी नहीं हुई है। अरे मैं अपनी गलती मानता हूँ, बस करो भाई, कोई तो बचाओ। अच्छा तो बोल तुमने तोड़ा था, लेकिन अब जब तुमने सामने आकर अपनी गलती मान ली है, इसलिए अब तुम्हें डांट नहीं पड़ेगी। मुझे प्लीज डांटिए आंटी, मेरे दिमाग के ढीले तार तभी कसेंगे, प्लीज डांटिए ना। डिंग 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 डिंग, अगर ये फूलदान टूट जाता तो हमारा बम की तरह फूट जाता। डिंग डिंग, अनाथ बेबी बिल्ली का नाथ बन गया कियो। डिंग डिंग,
सच में आज तो बहुत मजा आया। आज की शाम एक मजेदार शाम थी, है ना? हाँ बिल्कुल। मैं घर आ गया। हर रोज आए। पापा भी कभी कभी हद कर देते हैं। जल्दी से दरवाजा खोलो। कितना शोर है यहाँ, रात को भी सोने नहीं देते। ये हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? कितनी हो रही है? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भूख लगी है, थोड़ा दूध चाहिए। अच्छा अच्छा रुको, ला कर देता हूँ मैं तुम्हें। तुम वहीं रुको। मिल गया दूध। वाह! ये लो, जल्दी जल्दी पी लो दूध। हाँ, ये बिल्ली कहाँ से आई? प्लीज मुझे बचाओ पापा। म्याऊ म्याऊ। शिशि मानू, क्या ये तुम्हारी बच्ची है? अगर ऐसा है तो तुमने अभी तक इसे कहाँ छुपा रखा था? अरे नहीं नहीं मम्मी, जैसा आप समझ रही हैं वैसी कोई बात नहीं है। मैं एक डॉगी हूँ तो मेरी बेटी एक बिल्ली कैसे हो सकती है? इसका मतलब इस छोटी सी बिल्ली को यहाँ कोई छोड़ गया है। कोई छोड़ गया है? ये देखो केनिची, हमारे घर के दरवाजे पर कोई ये पिंजरा रखकर चला गया था और ये छोटी सी बिल्ली भी इसी में से निकली होगी। हमें इसके मालिक का पता लगाना है। पर हम कैसे पता लगा सकते हैं? ओए कियो के बच्चे, क्या हुआ? गला फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो? आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता कियो। मैं इस बिल्ली के बच्चे के बारे में कुछ नहीं जानता। बेचारी। ओहो, कहा ना, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। तुम लोग मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई है? प्यारे बच्चे इधर देखो, मुझे देख के डरना बंद करो प्लीज। तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बिल्ली के बच्चे के मालिक को ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। जब आप इंसान के बच्चे के खोए हुए मम्मी पापा को ढूंढ सकते हैं, तो बिल्ली के क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि वो अलग बात। मुझे समझ में नहीं आता कि अब हम क्या करें। अरे भाई, हम शहर के सारे बिल्ली बिल्लियों से पूछ लेते हैं। ठीक है, बिल्ली की भाषा बोलने की निंजा टेक्निक। डिंग 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 डिंग। क्या जैसे बिल्ली मम्मी का कोई छोटा बिल्लू बेबी खोया है? क्या जैसे बिल्ली मम्मी का कोई छोटा बिल्लू बेबी खोया है? क्या जैसे बिल्ली मम्मी का कोई छोटा बिल्लू बेबी खोया है? लगता है बिल्लियों की मैराथन चालू है। क्या आप बिल्ली बिल्लियों में कोई जानता है कि ये किसका बच्चा है? क्या आप लोगों ने किसी खोए हुए बिल्ली के बच्चे के बारे में कोई ब्रेकिंग न्यूज सुनी है? लगता है हमारे इलाके की बिल्लियों को इस बारे में कुछ नहीं पता। रोती है तो अच्छी लगती है। पकड़ो 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 पकड़े 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 पकड़ो पकड़ो। अब हम लोग क्या करें हथौड़ी? मैं कुछ न कुछ तरकीब सोचता हूँ। पकड़ो 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 पकड़ो। चोट लगी। बड़े बड़े खेल में छोटी छोटी चोटें लगती रहती हैं। वाह क्या बात है कियो। क्या बात है, बेबी तो एकदम चुप हो गई। अपनी लाइफ सेट हो गई। लगता है पापा घर आ गए हैं। असल में कल रात को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मैं गलती से मेरी किटी को आपके दरवाजे पर छोड़ गया था। अच्छा, तो वो आपकी बिल्ली है? मैं सोच रही थी ये अचानक आई कहाँ से। इसे साथ न ले जाने की वजह से मेरी पत्नी और मेरी बेटी मुझसे बहुत नाराज है। आओ आओ किटी मेरे पास आ जाओ, आओ आओ। अरे घबराती क्यों हो, मेरे पास आ जाओ। लगता है किटी कियो को छोड़कर नहीं जाना चाहती है।
सही कहा, कियो भी बिल्कुल असली वाले पापा की ही तरह उसकी देखभाल करता है। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है, लेकिन ये बिल्ली इनकी है तो इसे इनके साथ जाना होगा। चलो जाओ यहाँ से। इस बिल्ली ने परेशान कर करके दिमाग खा लिया था। दोबारा मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। आजा मेरी की। आइंदा मुंह मत दिखाना। कुछ खाने को है क्या? कुछ है? हाँ मछली, ये लो, रास्ते में भूख लगे तो खा लेना। मेरी किटी का ध्यान रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर इस कियो के बच्चे ने उसके साथ ऐसा क्यों किया हथौड़ी? जहाँ भी रहो खुश रहना। कभी कभी ना चाहते हुए भी हमें कुछ काम करने पड़ते हैं। डिंग डिंग। केनिची चला आइस स्केटिंग सीखने। डिंग डिंग। केनिची इधर आओ, मैं यहाँ हूँ। इधर केनिची, इधर। तुम मुझसे बच नहीं सकती युमिको, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। कहाँ हो, कहाँ हो? अरे अभी तो यही थी, कहाँ गई मेरी प्यारी युमिको, कहाँ चली गई? चल के देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ हूँ मैं, सुनो ताली की आवाज, मैं हूँ यहाँ। मैं आ रहा हूँ। यहाँ मैं, यहाँ। पकड़ लिया। वाह युमिको, तुमने मेरी नाक पकड़ी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अमारा तुम? युमिको ने तुम्हारी नाक नहीं पकड़ी थी, वो तो चूहा था, चूहा। अमारा तुम यहाँ क्या हुआ? ऐसे आँख पर पट्टी बांध कर तो बच्चे खेलते हैं, हम बड़ों का मजेदार खेल खेलेंगे। खेलोगी मेरे साथ? बोलो ना युमिको। बड़ों का मजेदार खेल, वो क्या है? अरे हम आइस स्केटिंग करेंगे ना। लेकिन मुझे आइस स्केटिंग करनी नहीं आती। इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। बोलो अब खेलोगी? क्या सचमुच? तुम बहुत जल्दी काफी अच्छी आइस स्केटिंग करना सीख जाओगी, यकीन मानो। तब तो मजा आएगा। मेरे पास आइसलैंड की दो एंट्री टिकट्स हैं, जहाँ मैं तुम्हें आइस स्केटिंग सिखाऊंगा। तो फिर चलो जल्दी चलते हैं युमिको, वक्त कम है। तू शक्ल देखता है। युमिको प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। इस अमारा के बच्चे को देख लूंगा। पहले मैं करता हूँ, ओके? तुम सिर्फ देखना। ये मैं चला। आइस स्केटिंग करते हुए रेनबो ब्रिज बनने की निंजा टेक्निक, और अब हवा में चरखी बनना। ये अरे वाह मारा, क्या बात है। आओ युमिको, अब तुम्हारी बारी है, चलो मेरे साथ। हाँ ऐसे ही कंधे से कंधा मिलाकर चलो, बहुत बढ़िया कर रही हो तुम युमिको। अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है। हाँ और मुझे भी। अब तुम क्या करोगे केनिची? केनिची तुम्हें तो स्केटिंग नहीं आती है ना? मैं जल्द से जल्द उसे सीखना चाहता हूँ, इसीलिए यहाँ प्रैक्टिस करने आया हूँ। लेकिन ये जगह स्केटिंग सीखने के लिए सही नहीं है केनिची। कोई बात नहीं, अमारा को हराने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ शिंजो। मम्मी, पापा, ये क्या हो रहा है? डिंग डिंग। मुझे बहुत डर लग रहा है। बचाओ मुझे। अरे भूकंप आ गया। अरे ये क्या हो गया? हथौड़ी, जल्दी से आइस स्केटिंग सीखने वाली कोई निंजा टेक्निक नहीं है क्या? नहीं केनिची, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। लेकिन क्या तुम इस मामले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकते? प्लीज मेरी मदद करो ना, करो ना हथौड़ी। केनिची तुम ही ना। जो नहीं हो सकता उसके बारे में क्या पूछना, लेकिन प्रैक्टिस से तुम सीख सकते हो। लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से आइस स्केटिंग सीख कर युमिको के साथ मैदान में उतरना है। डिंग डिंग। ठीक है कुछ करता हूँ। अरे वाह, मजा आ रहा है। आ गए हम सब मैदान में। देखो वो स्केटिंग कर रही है। युमिको तुम मेरे साथ स्केटिंग करोगी?
लेकिन तुम तो स्केटिंग नहीं जानते ना। और जो चीज नहीं आती वो करनी भी नहीं चाहिए। चलो देख लेते हैं। अपनी तो निकल पड़ी। अब चांद को छूकर वापस आता हूँ। मैं वापस आ गया। कैसी रही? कैनिची कमाल कर दिया तुमने तो। तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छे। चलो साथ में आइस स्केटिंग करते हैं। हाँ। ओ वाह। युमिका। अरे वाह। शाबाश शाबाश। अब इसने ये सब कब सीखा? कहीं इसके पीछे किसी और का तो हाथ नहीं है ना? क्या मतलब बॉस? ये तो मेरे ही पीछे पड़ गया। डिंग 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 डिंग। अच्छा तो ये हथौड़ी है। हाँ वैसे भी वो डबल बैटरी खुद क्या कर सकता है। अरे उसने मुझे देख लिया है। अभी देखता हूँ। या ये ये ये। अरे ये क्या? हाँ अरे ओ हमारा। मेरी शर्ट उठाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू वेरी मच हमारा। क्या? मेरी कमर टूट गई। जाओ मैं तुम दोनों से कभी बात नहीं करूंगा। कैनिची कितना मजा आया ना। ये सब हथौड़ी का कमाल है। डिंग डिंग डिंग। थोड़ी देर में मेरी यहाँ ठंड से कुल्फी जमने वाली है। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। माफ कर दो। ये बात तो तुम्हें बस यहाँ से चलने के लिए कह ले। दोस्तों के लिए मुसीबत भी झेलनी पड़ती है। डिंग डिंग। Rồi thì như vậy là đã ok rồi nha anh em. Xong một hồi loay hoay thì nó cũng mình đã làm xong rồi nha. Thì cái giải pháp này thì do mình cũng làm mãi mình nên mà mình không có quay lại được. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách nó làm là nó như thế này nè anh em. Thì không vậy á thì anh em vào cái chỗ này nè, vào cái chỗ security này ha. Anh em vào nó có cái mục là đây. Lock phone when sim trang. Tức là sẽ khóa máy khi thay đổi sim này thì anh em bấm vào đây thì mình sẽ bật cái này lên. Nếu mình bật cái này lên thì nó sẽ khi mình đổi sim thì nó sẽ khóa nha anh em. Nó sẽ khóa khi mình bật cái này lên đó, thì khi mình đổi sim nó sẽ khóa cái máy lại giống như lúc đầu á. Thì là mình tắt đi, mục đích của mình vào là mình tắt cái này đi thôi. Mình tắt cái này đi là xong. Đó thì nó sẽ hỏi mình cái mail. Mình nhập cái mail vô rồi nó sẽ gửi một cái mã OTP về cái mail, mình lấy cái mã đó mình nhập vào đây, đó là xong. Thì cái mục đích của cái mình làm này tức là mình tắt cái này đi thôi. Đó, vậy thôi. Tại vì do cái con này thực ra thì lúc trước mình cũng đã làm cái trường hợp này rồi nhưng mà do cái chắc là cái phiên bản cũ á, thì cái cách nó làm khác, nhưng mà hôm nay cái bản mới á, thì cái cách nó làm lại khác nha anh em. Nên mà mình cũng loay hoay mãi, nói thật là thật sự là mình cũng loay hoay mãi cho nên mình không có quay được cái đoạn đó nha. Thì mục đích nữa là mình tắt cái này đi thôi. Khi đó người ta đang bật cái này lên, người dùng trước người ta bật cái này lên thì bây giờ mình tắt cái này đi là ok, vậy thôi chứ nó không có gì ghê gớm đâu. Nhầm nhớ là vào cái mục security này đó. Bút lên thì nó có cái mục này lock phone when sim trang đó. Để mình mở lên cái tiếng Việt để cho anh em thấy cho nó dễ nhé. Đấy, tức là vào cái bảo mật này nha, vào bảo mật này. Đấy, anh em kéo lên khóa điện thoại khi sim thay đổi đó, nó là cái này thôi đó. Thì lúc đầu nó cũng nổi cái này lên đó, nổi điện thoại khóa cho thay đổi sim đó. Đấy, mình bật cái này lên đó, bật này lên thì nó sẽ yêu cầu mình nhập cái mail
nhập cái mail vô thì mình nó sẽ gửi một cái mã OTP, mình lấy mã OTP mình gửi vào đây là xong. Đấy rồi. Chứ nó không có gì đâu. Đó, thì bây giờ mình tắt nó đi là mình thích đổi SIM nào cũng được. Đấy, để cho mình thử luôn cho anh em xem nhé. Trong này đây là mình đang là cái SIM Viettel này. Đấy. Mình đang để cái SIM Viettel trong này này. Tài khoản bấm 92 để thay đổi ngôn ngữ bấm 93. Rồi bây giờ mình đổi SIM nha anh em xem này, nó sẽ không có bị khóa máy đâu nhé. Đây, mình đổi cái SIM Vietnam Mobile vô nhé. Đổi SIM Vietnam Mobile vô nhé. Đó, nó sẽ không bị khóa nha nhé. Tại mình tắt đi rồi, đấy, nó lên sóng này, nhưng cái SIM này chắc là SIM hư rồi nhé, nó không có lên sóng này. Mình vừa có cái SIM nào nó còn sóng mình lắp rồi. Thấy không? Đấy, Vietnam Mobile này ha. Rồi cái SIM này nó mất sóng này ha. Rồi mình để lâu nó hư rồi. Nó khóa rồi. Đó, nó không có bị khóa máy nữa. Đó, mình tháo SIM này. Đó. Mình đổi SIM là lúc trước mình để là nó bị khóa máy là vậy đó. SIM này còn sóng lên liền ha. Rồi, rồi mình dừng lại đây nha. Rồi, cảm ơn tất cả anh em nha. Chào, hẹn gặp lại anh em. Chúc anh em thành công nha. Nên mình chỉ hướng dẫn cái nguyên lý làm vậy thôi. Cái đoạn đấy mình lại không quay được. Rồi, cảm ơn anh em nha. Chào anh em.